4 reasons not to buy Redmi Note 7 Pro। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे 4 reasons के बारे में जिनकी वजह से हो सकता है कि आप Redmi Note 7 Pro को खरीदना पसंद ना करो। दोस्तों Xiaomi ने बिल्कुल यहाँ पर सभी को सरप्राइज कर दिया है। इवन कि चाइना में अभी तक Redmi Note 7 Pro लॉन्च नहीं हुआ है, बट इंडिया के लिए Redmi Note 7 Pro को लॉन्च कर दिया गया है 28 फरवरी को। हालांकि अभी आप इसे खरीद नहीं सकते हो, फर्स्ट सेल जो है वो लग रहा है 13 मार्च को दोपहर 12 बजे। हालांकि दोस्तों Redmi Note 6 Pro बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा, बट अगर हम नोट सीरीज का पीछे का हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर Redmi Note 4 जो कि 6 मिलियन से भी ज़्यादा यूनिट जिसका सेल हुआ था इंडिया के अंदर, और हम फिर बात करें Redmi Note 5 Pro की तो वो भी जो है 5 मिलियन से ज़्यादा यूनिट उसका सेल हो चुका है इंडिया के अंदर। उसके बाद जो आता है Redmi Note 6 Pro जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, बट उसके बाद जो है अभी आया है Redmi Note 7 Pro जो कि बिल्कुल तबाही मचाने वाला है इंडियन मार्केट में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इस तरह के स्पेसिफिकेशंस देने वाली कोई भी अभी कंपनी नहीं है। यहाँ पर Vivo का एक फोन है, बट वो जो है 32,000 के आसपास में आता है इसी टाइप के स्पेसिफिकेशंस के साथ, जो कि आपको 14,000 में देखने को मिल रहा है Redmi Note 7 Pro के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि बस तारीफ ही किया जा रहे हो नोट टू बाय वाले वीडियो के अंदर, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, Redmi Note 7 Pro तारीफ के काबिल भी है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे न्यू इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं नोट सीरीज में। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 248 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। इवन कि यहाँ पर डिस्प्ले में भी काफी इंप्रूवमेंट किया गया है Redmi के द्वारा। यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है दोनों ही साइड में, मतलब कि फ्रंट और बैक में। पर फिर भी जो चीजें मिसिंग है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और उनको आपको जान ही लेना चाहिए किसी भी फोन को बाय करने से पहले, और फिर जाके अगर आप उस फोन को लेते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। फ्रंट कैमरा, दोस्तों अगर आप अपने फोन का फ्रंट कैमरा बहुत ही ज्यादा यूज करते हो, मतलब कि ज्यादातर सेल्फी लेने के लिए या फिर फ्रंट कैमरा से ही आप वीडियो वगैरह भी शूट करते हो, तो ये फोन आपके लिए नहीं, आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 7 Pro के अंदर, जबकि अगर हम पीछे देखें तो Redmi Note 5 Pro के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता था, जिससे कि काफी अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते थे और उस कैमरा के थ्रू आप काफी अच्छे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते थे अगर आप फोन को यूज करते हो ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ है तो आपको जो है दूसरा ऑप्शन देखना पड़ सकता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट। यहाँ पर अगर आप दो सिम को यूज करते हो इस फोन में तो साथ में आप मेमोरी कार्ड भी यूज नहीं कर पाओगे। आप या तो दो सिम को यूज कर लो या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड, इसी तरह से आपको इस फोन को यूज करना पड़ेगा। तो ये मुझे काफी बड़ा डिसएडवांटेज लगा। एड्स इन MIUI 10, दोस्तों इस फोन में आपको MIUI 10 दिया जा रहा है एंड्रॉइड 9.0, मतलब कि एंड्रॉइड पाई के साथ में, बट MIUI 10 के साथ यहाँ पर जो है एड्स को भी अनेबल कर दिया गया है Xiaomi की तरफ से, और इस डिवाइस में भी आपको जो है खूब सारे एड्स देखने को मिलने वाले हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ Redmi सीरीज, दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं पूरे Redmi सीरीज में जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ Redmi Note 4 के बारे में। इस फोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था चार्जिंग को लेकर, चार्जिंग स्लॉट खराब हो जाता था बहुत सारे यूजर्स का, माइक्रोफोन भी खराब हुआ था बहुत सारे यूजर्स का, इवन कि मेरा चार्जिंग स्लॉट, माइक्रोफोन एंड वाइब्रेटिंग मोटर भी खराब हुआ था इस फोन में। पर फिर शायद यहाँ पर Xiaomi ने इन छोटी छोटी चीजों पर सुधार किया है, और अभी तक मैंने जितना पता किया है तो मुझे यही पता चला कि Redmi Note 5 Pro या फिर Redmi Note 5 में इस तरह का प्रॉब्लम यूजर्स को देखने को नहीं मिला है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Redmi Note 7 Pro में भी ये चीज बरकरार रहेगा और जो है यूजर्स को ये छोटा मोटा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि इन चारों में से आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा लगा। एंड दोस्तों अगर आपको Redmi Note 7 Pro के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन बारे में जानना है तो आपको इधर आई के बटन पे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है इस फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में जान सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और भी आपके पसंद के वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।